आपको बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की कई जानी मानी हस्तियां यहां मौजूद रहेंगी। लिहाजा इस कार्यक्रम की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर कमांडो को उतारा गया है। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए अयोध्या में देश दुनिया की हजारों बड़ी अस्थियां इकट्ठा होंगी। लिहाजा पुलिस के सामने इस बड़े आयोजन की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यहां की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। अयोध्या में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिसमें परिंदा भी पर न मार पाए। अयोध्या में हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। आप अगर देखेंगे तो इन बैरिकेड्स को भी देखिए कि किस तरह से पूरी बैरिकेडिंग अयोध्या में की गई है। इस तरह की सिक्योरिटी पूरी तरीके से आप देखिए, ये ऊपर देखिए तार किस तरह के इसमें लगाए गए हैं, यानी कि कोई इन बैरिकेड्स को छलांग लगाकर भी पार नहीं कर पाएगा। इस तरह की पुलिस की व्यवस्था है। तो एक और यहाँ पर देखिए आप, जो लोकल पुलिस अयोध्या की है वो उनकी टुकड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग भी हो रही है। यहाँ पर जुटने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पीएसी की चार कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम एसपीजी की निगरानी में होगा, जिनके साथ सीआरपीएफ, एटीएस और एसटीएफ के अधिकारी लगातार संपर्क में रहेंगे। ये लगातार यहाँ पर गश्त करता है कहीं ना कहीं, और ये देखिए तमाम जवान भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी ड्यूटी लगी है। तमाम जवान यहाँ पर है एनडीआरएफ के, और तमाम इनके पास वेपन्स, अलग अलग तरह के हथियार भी, हथियारों से लैस है। इनकी जिम्मेदारी है कि कौन सी गन है ये? MSL। तो ये सर हम लोग नहीं। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो जवान है वो भी मौजूद है। तमाम टुकड़ियां जो जवानों की है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। अयोध्या में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी करने के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सरयू नदी में निगरानी करने के लिए जल पुलिस को अतिरिक्त हाई स्पीड बोट मुहैया कराई गई है। इसके अलावा अयोध्या की सड़कों पर हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां पे की सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे वहां पे पुलिस की के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है, और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे, क्योंकि अन्य जो ड्यूटियां होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी। लेकिन हम लोगों ने इसमें, इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है, और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम तैयार किए गए हैं। इसके अलावा आने जाने वालों की जांच के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टुकड़ियां भी अयोध्या में देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं उसके जरिए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी मिल रहा है। ये टुकड़ी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस टुकड़ी को आप देखते चलिए कि किस तरह से तमाम महिलाएं यहां पर एनडीआरएफ की मौजूद हैं। इनके पास तरह तरह के वेपन्स हैं, चीजें हैं जो रक्षा भी कर सकती हैं और किसी भीड़ को रोक भी सकती हैं। तो पूरी महिलाएं देखिए यहाँ पर, आंसू गैस के गोले भी इनके पास हैं, तमाम व्यवस्थाएं सुविधाएं इनको दी गई हैं। इधर अयोध्या में सुरक्षा को लेकर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने आज अधिकारियों के साथ मुलाकात की और तैयारियों को लेकर उनके साथ चर्चा की। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा से लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है, 22 को लेकर तो तैयारी सारी हो चुकी है। अब जो हमको परिसर के अंदर जो व्यवस्थाएं करनी है और जो सीटिंग प्लान है उसको फाइनल किया जा रहा है, किस प्रकार से लोग आएंगे, कैसे बैठेंगे, उनका एंट्री एग्जिट कोई निर्बाध रूप से हो जाए, कोई अड़चन ना हो, उसकी तैयारियां चल रही है। और जो गाड़ियों का मूवमेंट होगा जो विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न होटल से और जहाँ जहाँ भी लोग रुके हुए हैं वहाँ से लोग आएंगे, उसको लेकर हम लोग अभी अपने प्लान को फाइनलाइज कर रहे हैं।
अयोध्या में केवल आमंत्रित व्यक्तियों और सरकारी ड्यूटी में लगे लोग ही कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। अब उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक तौर पर फाइनल टच दिया जा रहा है, लिहाजा इस आयोजन में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो इसके लिए तैयारियों को पुख्ता बनाया जा रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।